पिक्चर बहुत अच्छी थी और मैंने पहले नहीं देखी थी, मैंने आज देखी, उसमें हॉरर भी था, मसाला भी था, मतलब बढ़िया स्टोरी भी अच्छी थी। इवन इस पिक्चर का मीनिंग भी था कि हम कितना पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अपनी लाइफ एकदम झांडू बना देते हैं। उसके दूसरे पार्ट का वेट कर रहे हैं बहुत जल्दी से, मैं चाहती हूँ इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आए। क्लाइमेक्स की बात करें तो कैसा लगा? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा लगा, बहुत थोड़ा डरावना था बट अच्छा लगा। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4। हॉरर फिल्म्स और ऐसे थ्रिलर फिल्म्स बिल्कुल नहीं पसंद है, बट जैसी मूवी स्टार्ट हुई उसके बाद जैसे वो बना, आई वाज लाइक पूरा बैठ गई थी कि अब तो पूरी देखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे लगा कि क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। एंड एट द एंड बहुत ही उसे माइंड ब्लोइंग टाइप था एंड आई लव्ड इट एंड आई विल रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट। थैंक यू। अच्छी मूवी यार, बहुत फन है। मतलब मैं लिटरली बताऊँ तो ये मेरा थर्ड टाइम है, मैं दोबारा भी देखने आई हूँ। मुझे ऐसी लगी कि मैं दोबारा से न्यू मूवी देख रही हूँ, न्यू स्टार्ट देख रही हूँ। यार मैं तो 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि उस बंदे ने बहुत एक्टिंग में बहुत मेहनत करी है, उसके बाद वो इस मुकाम पे आया, उसने अच्छी मूवी बनाई, देन ही गॉट सो मच फेमस विद द मूवी। तो हाँ, 5 on 5 है मेरी रेटिंग। तो सर मूवी बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस मूवी। सर उनके कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे, उनका जो उनकी सास मम्मी जी थी, सास थी जो लेडी की, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, और एक बेबी था उनका, उनका रोल भी बहुत अच्छा था, सब कैरेक्टर के बहुत अच्छे थे। मैं कह रही हूँ हॉरर कंसेप्ट तो कहीं से नहीं था, जैसा इसका ट्रेलर दिखाया गया था, बट मिस्टीरियस थी मूवी, हॉरर थोड़ा कम था। मूवी बहुत अच्छी थी, उसका काम भी अच्छा था, हॉरर थोड़ी सी कम थी बट ठीक थी। जो कॉन्सेप्ट था मूवी का वो अच्छा था। रेटिंग में उसको 3.5। मूवी काफ़ी अच्छी थी, एक अलग तरीके का सिनेमा है, कुछ लगा, लेकिन हाँ मूवी काफ़ी अलग है, क्योंकि हम बेसिकली जिस टाइप की मूवी देखते हैं एज ए थिएटर आर्टिस्ट, मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, प्ले हम लोग करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। अच्छा कुछ हटके था, पर थोड़ा एंड का थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, कि उसका जो हमारा वे जो आता है कि भाई किसी को लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लालच में ज़्यादा करोगे तो फिर उसमें ज़्यादा होगा, उससे नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए।